सो है एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम आलमंड्स, काजू, वॉलनट्स, खारका और सेसमे। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे पाउचर घी। सबसे पहले हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करेंगे मिक्सचर में, जैसे कि आलमंड्स, काजू, वॉलनट्स, खारका, सेसमे सीड्स। ये लड्डू खाने में तो बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप घर पे जरूर ट्राई करना, इट्स डिलीशियस। उसके बाद हम कढ़ाई में घी डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। उसके बाद हम डालेंगे उसमें डिंक, डिंक को हम फ्राई करेंगे उसके बाद और उसे ग्राइंड करेंगे। अब जो कोकोनट का मिक्सचर है वो हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम लेंगे जो हमारा ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर था, हम उसे भी फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम लेंगे घी और घी में हम मोनोको को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसे फ्राई करने के बाद हम लेंगे सनफ्लावर सीड्स। जो हमारे ड्राई फ्रूट का मिक्सचर था वो हम सब मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे गुड़। गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना बदल जाए। उसके गुड़ को हम ड्राई फ्रूट के मिक्सचर में डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से तब तक वो मिक्स ना हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे सनफ्लावर बीज। मिक्स होने के बाद हम उससे बनाएंगे हमारे स्वादिष्ट लड्डू। एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, इट्स डिलीशियस। सो बाय गाइस, टेक केयर।